दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे पहले ब्लॉग पे। सबसे पहले दोस्तों मेरा इंट्रोडक्शन जान लीजिए। मेरा नाम संदीप कुमार है और मैं फिलहाल ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँ। मैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ और फिलहाल 2-3 सालों से दोस्तों मैं झारखंड की राजधानी रांची में शिफ्ट हो गया हूँ। फिलहाल मैं दोस्तों रांची में हूँ और अभी मैं आया था बैंक में। दोस्तों नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से मैं थोड़ा बाहर निकला और बैंक जो है दोस्तों खिलगांव मेगा कॉम्प्लेक्स के अंदर है। खिलगांव मेगा कॉम्प्लेक्स बोले तो दोस्तों यहाँ पे तरह तरह के जो खेल है होते रहते हैं अक्सर, और ये जो बिल्डिंग है दोस्तों काफ़ी बड़ा है। पीछे आप देखेंगे तो उधर दोस्तों खिलगांव वाला क्रिकेट वाला स्टेडियम है, इधर फुटबॉल का स्टेडियम है, वॉलीबॉल का स्टेडियम है, हॉकी वाला है, बॉक्सिंग का है, मतलब बहुत सारे तरह के खेल सारा कुछ कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। फिलहाल मैं फर्स्ट ब्लॉग बना रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ा नर्वस फील कर पा रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे मैं दोस्तों आप लोग के लिए कंटिन्यू ब्लॉग लाते रहूँगा और थोड़ा दोस्तों अपने आप को इम्प्रूव करता रहूँगा। फिलहाल दोस्तों मैं आप लोग को बैक कैमरे से थोड़ा इस कॉम्प्लेक्स का नज़ारा दिखा देता हूँ। देखिए कितना सुंदर है ये भवन और तरह तरह के यहाँ पे दोस्तों फूल लगाए गए हैं। अभी ये है दोस्तों खेलगांव मेगा कॉम्प्लेक्स। उधर देखिए दोस्तों वो शायद फुटबॉल वाला स्टेडियम है जो उधर है दिख रहा है। इधर दोस्तों क्रिकेट वाला स्टेडियम है, उधर ये खेलगांव मेगा कॉम्प्लेक्स है, उधर से एंट्री वाला है और इधर बगल में दोस्तों खेलगांव थाना भी है। मैं ज़्यादा कुछ नज़ारा आप लोग को नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि दोस्तों ये शायद प्रतिबंधित क्षेत्र है, कैमरे पर नहीं दिखा सकते, लेकिन दूर दूर तक दोस्तों आप देखिए उधर वाला क्रिकेट वाला स्टेडियम आप लोग को दिख रहा होगा। दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, मैं इस ब्लॉग को लंबा नहीं करना चाहता। अब से मैं दोस्तों आप लोग के लिए रेगुलर ब्लॉग लेके आता रहूँगा। अगर जो आप लोग को ये मेरा पहला ब्लॉग पसंद आया तो इस ब्लॉग को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और क्या मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है आप लोग के मन में कोई आइडिया हो तो नीचे कमेंट्स करके आप मुझे बता सकते हैं। जल्दी मिलते हैं किसी और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।